आज हम जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आपके CGPSC और व्यापम में पूछा गया है। कई बार रिपीट हुआ है तो आज हम टोटल 25 प्रश्न देखेंगे टोटल टेस्ट के रूप में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। ठीक है, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो टेस्ट चल रहा है टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको 25 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, जो आपके कई बार विगत वर्षों से पूछा गया है जनजाति से। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती SI मेंस के लिए जो टेस्ट के रूप में चल रहा है टोटल। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो इसका आंसर देकर बताइएगा टोटल 25 प्रश्नों का। मैं इसका आंसर आपको पहला का बता देता हूँ कि किसी जनजाति को जनजाति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है, तो आपका आएगा 342, है ना, जो 342 आंसर ए होगा। लेकिन अब इसके बाद टोटल 24 प्रश्नों का हल आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टोटल 24 प्रश्नों का हल आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर आप में हिम्मत है तो टोटल 24 प्रश्नों का हल देकर आ जाइएगा। ठीक है, SI मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो SI मेंस चाहे व्यापम PSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 24 प्रश्नों का हल का जवाब देकर जाइएगा। तो चलिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। आज टोटल छत्तीसगढ़ के GK का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। टोटल हम 30 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। अब आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है। टोटल टेस्ट ग्रुप में अगर आप SI मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 24 प्रश्नों को हल कर देकर जाइएगा, है ना। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए टोटल टेस्ट के रूप में। तो देखिए बहुत लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। जितने लोगों का आंसर 42 आया है यानी कि 42, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, 42 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो 24 प्रश्नों को जवाब देकर जाइएगा। कितने प्रश्न, 24 प्रश्न छत्तीसगढ़ के जनजाति PSC और व्यापम में पूछा गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं PSC और व्यापम की तो सही वीडियो पर आए हैं, टोटल टेस्ट के रूप में, है ना, टेस्ट के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति में टोटम क्या है, जनजाति में टोटम क्या है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। जनजाति में टोटम क्या है, हाँ 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हाँ बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जनजाति में जो टोटम है गढ़ चिन्ह को कहते हैं, किसको कहते हैं, गढ़ चिन्ह को कहते हैं। कितने लोगों का आंसर आया है नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, है ना, कमेंट करें। गण चिन्ह बिल्कुल सही है। सभी लोग जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जनजाति में टोटम का अर्थ होता है गण चिन्ह, आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है कमेंट करके बताइएगा, है ना, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें। छत्तीसगढ़ में जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है उसकी कुल जनसंख्या है 78.22 लाख। ठीक है, कितने लोगों का आंसर सी आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे किस जिले में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। आप लोग बताइएगा कि कौन सा जिला है जिसमें जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या है, है ना। ये टोटल अभी देख रहे हैं जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ GK का टेस्ट चल रहा है आपका SI मेंस के लिए है। ठीक है, SI मेंस के लिए है, हाँ देखिए जांजगीर चांपा कोरिया सरगुजा और बस्तर, टोटल आप लोग को जवाब देकर जाना है इसका आंसर टेस्ट के रूप में। क्या आएगा आंसर, बिल्कुल सही सरगुजा। तो किस जिले में जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है, सरगुजा जिले में, कौन सा है कमेंट करें, सरगुजा। ठीक है,
चलिए, जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा, जल्दी से बताइएगा। जनजाति, जो जनजाति है आपका, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा, नारायणपुर, कबीरधाम या दुर्ग। फटाफट कमेंट करने स्टार्ट करें, फिर से आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है आपका, हो जाएगा आंसर 6 का नारायणपुर। कौन सा है, नारायणपुर। कितने लोगों का आंसर आया है, 95 लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों के नहीं आया। कितने बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों का कुल कितना प्रतिशत है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जनजातियों का जो प्रतिशत है कितना है, 13.62। कितने लोगों का आंसर सी आया है, बिल्कुल सही है। चलिए, छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सा है। छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति है कौन सा है, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, कमार या बैगा। चलिए, 30 सेकंड का फिर समय दिया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ का टेस्ट चल रहा है, एसआई का, एसआई मेंस, ठीक है, एसआई मेंस का चल रहा है। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सही समय पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, ठीक है। हाँ, एसआई भर्ती यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी चल रही है। अगर आप लोग एडीओ, हॉस्टल वार्डन या अमीन पटवारी तैयारी करना चाहते हैं तो कल से क्लास स्टार्ट हो रहा है नए बैच के साथ। ये आज की जो चल रही है टेस्ट के रूप में, क्या आएगा इसका आंसर आप लोग बताइएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति, हाँ, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ी जनजाति है आपका अबूझमाड़िया। ये गोड़ की एक उपजाति है, ठीक है, गोड़ की एक उपजाति। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाए जाते हैं, जिसमें 161 उप समूह पाया जाता है। कितना, 161 उप समूह पाया जाता है। जिनको मालूम नहीं है नोट कर लीजिएगा, है ना, सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया। जनजाति में सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति कौन सी है, ये जनजाति है आपका, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति, सबसे ऊंची, उराव, गोड़, भतरा या मुड़िया। कमेंट करके बताइएगा, 30 सेकंड का समय दिया जाए। जितने भी बच्चे एक बार जुड़ चुके हैं वीडियो पर कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, गधे की तरह ना बैठें। जो लोग गधे की तरह बैठे हैं वीडियो को ना देखें, है ना, स्किप कर सकते हैं। जिसको मालूम नहीं है या वीडियो नहीं देखना है स्किप करके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है, है ना, सिलेक्शन लेना है मेंस में, तो इसका आंसर देकर जाइएगा। जनजाति सामाजिक सबसे ऊंची जनजाति कौन सी है भाई, 30 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, वो समय आपका समाप्त तो हो चुका है। कितने लोगों का आंसर आया है, 115 लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, इसका आंसर सी होगा, भथरा। भथरा जो जनजाति है, ठीक है, भथरा जनजाति है सामाजिक दृष्टि से ना, जो सामाजिक दृष्टि से है, समाज के तौर पर सबसे जो ऊंची जनजाति है आपका भथरा है। जिसको मालूम नहीं है नोट कर लीजिएगा, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर, भथरा, जो सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊंची जनजाति है, ठीक है। चलिए आप देखिए, द गोस ऑफ द बस्तर के लेखक कौन है। ये देखिए, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, द गोंड ऑफ बस्तर के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। जॉर्ज ग्रीसन, श्यामाचरण दुबे, विरियन एल्विन या सीवी राय। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, नोट करके जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से फटाफट कमेंट करने स्टार्ट करें। कितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पर, टोटल 225 बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पर। तो इसका आंसर कम से कम 90% आना चाहिए, 90%। द गोंड ऑफ बस्तर के लेखक कौन है, तो द गोंड ऑफ बस्तर के लेखक कौन है जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है, जॉर्ज ग्रीसन, जॉर्ज
ग्रीसन बिल्कुल सही है आंसर ए। कितने लोगों का आया है कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों का आंसर नहीं आया है वो भी कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। छेड़ता किस जनजाति का पर्व है, जो छेड़ता है आपका, ये देखिए जो छेड़ता किस जनजाति का पर्व है, बिल्कुल सही है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, छेड़ता, छेड़ता का अर्थ होता है गोंड जनजाति, है ना, गोंड जनजाति, बिल्कुल आंसर डी होगा। चलिए अब चरघिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। चरघिया विवाह किस जनजाति से, देखिए बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पीएससी एग्जाम में, पीएससी और व्यापम के एग्जाम में बहुत ही सरल सरल आंसर क्वेश्चन किया जा रहा है जो आपके विगत वर्षों से है। विगत वर्षों का जो लाया हूँ आपका टेस्ट के रूप में टोटल 25 क्वेश्चन है ना, तो मैं पहला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिया था और आपको आज बताना है टोटल 24 प्रश्नों का जवाब, है ना। चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, आपको तैयारी नहीं करना है, और जिनको तैयारी करना है सिलेक्शन लेना है वही वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज से हमारे चैनल पर क्लास स्टार्ट हुआ है, आज से, है ना, आज से चैनल पर क्लास स्टार्ट हुआ है न्यू बैच के साथ, ओके। समय तो देखिए, एक ने पूछ रहा है समय, तो समय आपको बता दिया जा रहा है, समय है 7:30 से लेकर 9:30 के बीच में जो रिकॉर्डेड क्लास रहती है बिल्कुल अपलोड की जा रही है टाइम टू टाइम, है ना। क्या है चरघिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है, गोंड, बिरहोर, भुंजे या पंडो। इसका आंसर आपका होगा गोंड जनजाति। कितने लोगों को मालूम था कमेंट करके बताइएगा चरघिया विवाह। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में, जो बैगा जनजाति है आपका, ठीक है, जो बैगा जनजाति है आपको कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, कौन सा एरिया में पाया जाता है। मुंगेली, कवर्धा, गरियाबंद, रायपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, बलरामपुर। जल्दी से कमेंट करके स्टार्ट कीजिएगा, 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड, है ना बच्चों। देखिए जो छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति है कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने, मुंगेली और कवर्धा, ठीक है आंसर ये होगा। 99 लोगों का आंसर आया है, अब बाकी लोगों क्यों नहीं आ रहा है कमेंट करें, गधे के तौर पर ना बैठें, है ना, मुझे गधे बच्चे अच्छे पसंद नहीं है। बिंजवार किस जनजाति की उपजाति है, जो बिंजवार है आपका, ये जो बिंजवार है, ये जो बिंजवार है कौन से जनजाति की उपजाति है, कौन सी जनजाति की उपजाति है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा। गोंड, बैगा, कमार या बिरहोर। बैगा, जो गोंड है आपका बैगा जनजाति से संबंधित है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या आएगा। बैगा कंती पर्व किस निम्न में है, जो बैगा जनजाति है ना आपका प्रमुख पर्व कौन सा है। जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट करें। हाँ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट करें। नमकहानी, बीज बोहनी, रसनामा या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करने स्टार्ट करें बच्चों। 15 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है आंसर सी रसनामा, रसनामा आंसर सी होगा। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, ये जो बैगा जनजाति है उसका प्रमुख नृत्य कौन सा है।
बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बिल्मा, दमनच, कर्मा या कक्षा? आंसर ए बिल्मा। क्या आएगा? बिल्मा, बिल्कुल सही है। किस जनजाति के लिए सामाजिक रूप से घोड़े को स्पर्श करना वर्जित है? इसका आंसर कौन सा है? किस जनजाति के लिए सामाजिक रूप से घोड़े को स्पर्श करना वर्जित है? कमेंट करना बताइए ना। आंसर है बी सी या डी, बैग, गोंड, मुड़िया या कमार। क्या आएगा? किस जनजाति सामाजिक रूप से ना, जो सामाजिक रूप से घोड़े को स्पर्श करना वर्जित है, घोड़े को छूना मना है, छूना मना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कमार। जो कमार जनजाति है उसको घोड़े को स्पर्श करना वर्जित है ना, कमार जनजाति के लोग घोड़े को नहीं छूते, ठीक है। ढुंकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ढुंकू विवाह, ये जो ढुंकू विवाह है ना, ये वाला, एक मिनट, ढुंकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? जो ढुंकू विवाह है आपका, जल्दी से बताइएगा, बिरहोर, हलवा, अघरिया या कमार। बिल्कुल सही है, कमार। और कमार जनजाति के लोग घोड़ों को छूना विशेष वर्जित है, घोड़ों को छूना विशेष वर्जित है, ठीक है। बिरहोर जनजाति निम्न किस जिले में निवास करते हैं? जो बिरहोर जनजाति कौन सा जिले में निवास करते हैं? बिरहोर जनजाति कौन सा जिले में निवास करते हैं? जसपुर, कोरिया, मुंगेली, बस्तर। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, फटाक से कमेंट करें। गधे के तौर पर ना बैठे ना, मैं बिल्कुल बेकार लगता है मेरे को यहाँ पर, मैं ब्लॉक कर दूंगा ना, फालतू की बातें ना करें यहाँ पर। बिल्कुल आंसर दीजिएगा, जो मैं क्लास कर रहा हूँ वही क्लास अटेंड कीजिएगा, ना कि यहाँ पर मैथ्स के सवाल कौन पूछता है बेवकूफ टाइप पर। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है जनजाति से, और ये बेवकूफ पूछ रहे हैं मैथ्स से। इस बार पूछेगा ना तो डायरेक्ट ब्लॉक करूंगा, आप कमेंट ना कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या आएगा? बिरहोर जनजाति निम्न में किस जिले में निवास करते हैं? बिरहोर जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? क्या आएगा आंसर? क्या है? जसपुर। कितने लोगों का आंसर आया है? ए, जसपुर आएगा ना इसका आंसर, जसपुर है। कोरवा किस जनजाति की बोली है? कोरवा, इसमें कोरबो लिख दिया है ना, ये कोरवा है। कौन से जनजाति की बोली है? इसका आंसर होगा डी, पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा, ठीक है, पहाड़ी कोरवा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पर आप जुड़ सकते हैं, और बाकी बहुत सारे वीडियो दिया गया है ना प्लेलिस्ट के माध्यम से, आपका कौन कौन से क्लास है जो भी है आप अटेंड कर सकते हैं। चाहे आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे चैनल पर दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से दिया गया है, बिल्कुल। हाँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के। पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? देखिए, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद सेकंड का आंसर आप बताइएगा। चलिए, पहाड़ी कोरवा जनजाति का प्रमुख नृत्य आपका दमनच नृत्य है, जबकि गीति यौना किस जनजाति का युवा गृह है? गीति यौना, मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ पीएससी और व्यापम के विगत वर्षों में कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना,
जल्दी से बताइएगा गितियोना किस जनजाति का युवा गृह है। गितियोना, बिरहोर, भुंजिया, बैगा या माड़िया। बिल्कुल सही है, बिरहोर। जो गितियोना है आपका बिरहोर जनजाति से संबंधित है, उसका युवा गृह है। देखिए युवा गृह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ आज शाम को क्लास देखेंगे युवा गृह से, ठीक है। हाँ इसका आंसर बताइएगा किस जनजाति में पेद्दा कृषि पद्धति पाई जाती है। पेद्दा, पेद्दा सभी को मालूम ना कौन सा जनजाति है, मुड़िया, अबुझमाड़िया, माड़िया, कोरकू। 30 सेकंड का समय है, फटाक से कमेंट करें। बेवकूफों की तरह ना बैठे, गधे की तौर पर ना बैठे। जो लोग एसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वही एग्जाम दें, वही टेस्ट के रूप में क्लास करें। किस जनजाति में पेद्दा कृषि पद्धति पाई जाती है, अरे इसका आंसर क्या होगा कमेंट करें, चुपचाप ना बैठे। किस जनजाति में पेद्दा कृषि पद्धति पाई जाती है, पेद्दा। आंसर भी अबुझमाड़िया, अबुझमाड़िया कृषि पद्धति क्या है, पेद्दा है अबुझमाड़िया का। किस जनजाति में रोगों को इलाज के लिए गर्म लोहे को दाग कर किया जाता है, अब इसका आंसर आप बताइएगा क्या है। किस जनजाति में रोगों को इलाज के लिए गर्म दाग कर किया जाता है, भुंजिया, भुंजिया के लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, मुड़िया जनजाति का युवा गृह होता है, ठीक है। मुड़िया जनजाति का युवा गृह कौन सा है, जो मुड़िया जनजाति है आपका, मुड़िया जनजाति उसका युवा गृह। हाँ आज हम देखेंगे युवा गृह से, टोटल आज 25 क्वेश्चन हो चुका है टेस्ट के रूप में, है ना। कितने लोगों का आंसर सही आया है कमेंट करके बताइएगा, कितने लोगों का आंसर गलत हुआ है ना। जो मुड़िया जनजाति है आपका घोटुल, धूमकरिया, गितियोना इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा घोटुल, है ना, मुड़िया का घोटुल होगा जो युवा गृह। और टोटल आज हमारा 25 प्रश्न खत्म हो चुका है टेस्ट के तौर पर, और आज शाम 7:30 बजे टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जनजाति से, जनजाति से संबंधित क्लास कराया जाएगा। आपको तैयारी करना है तो शाम 7:30 से 9:30 के बीच में आ जाइएगा, जो रिकॉर्डेड क्लास है 8:30 के बीच आ जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिएगा, होल्की पाठक किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, कमेंट करके बताइएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करके रख लीजिएगा, कल इसका आंसर आना चाहिए। होल्की पाठक किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, और जिनको पता है अभी कमेंट कर दीजिएगा, जिनको पता है अभी कमेंट कर दीजिएगा। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जब भी मैं रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड टेस्ट के लिए जितने भी क्वेश्चन आए थे बिल्कुल PSC और व्यापम में पूछे गए थे, है ना। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेंस का, हॉस्टल वाड़ाना, एडियो, अमीन पटवारी, जितने भी व्यापम और PSC में एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए, होल्के पाठक की जनजाति प्रमुख नीति है, आप सभी लिए होमवर्क है, और जिनको मालूम है कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मुड़िया, माड़िया, हलवा या अघरिया, ठीक है। आजकल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।